विधायक अमर कुमार बावरी ने किया पीसीसी पद का शिलान्यास। चंदन क्यारी प्रखंड के सिमुलिया पंचायत में प्राथमिक विद्यालय गुंडरी से मांडरा सीमा तक पीसीसी पथ निर्माण का कार्य शिलान्यास विधायक अमर कुमार बावरी ने नारियल फोड़ कर किया। यह पद डीएमटी पद मद से लघु सिंचाई विभाग बोकारो की ओर से बनाई जाएगी। मौके पर चंदन क्यारी विधानसभा में छोटे बड़े सभी सड़कों निर्माण तथा जीर्णोद्धार का काम प्राथमिकता का आधार पर किया जा रहा है। बंगाल के ही रंगमटिया तथा पश्चिम बंगाल सीमा के बीच गुवाई नदी के में पुल बनाने के लिए टेंडर भी निकल चुका है। बहुत पुल निर्माण कार्य भी शुरू हो चुका है, जिससे आलोक डी बाजगढ़ी समेत अन्य क्षेत्रों का समग्र विकास होगा। वहीं उन्होंने कहा कि गुंडरी का पथ इस क्षेत्र के लोगों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। लोग बिना अत्यधिक दूरी का सफर किए ही मांडरा होती हुई सुदामडीह एवं धनबाद जा सकते हैं। कहा कि चुनाव में किए गए हर वादा को पूरा करने के लिए वचनबद्ध हूं, इसके लिए सिर्फ जनता का आशीर्वाद चाहिए। चंदन क्यारी पूरे झारखंड में सबसे अव्वल एवं विकसित विधानसभा होगा। इससे पूर्व विधायक कार्यकर्ताओं के साथ रंगाहाड़ी मंदिर पहुंचकर माथा टेक। मौके पर प्रमुख निवारण सिंह चौधरी, जिला परिषद सदस्य उत्तम दास कनिया, कनिया अभियंता चंदन कुमार, मुखिया सुनीता देवी, उदिष्टर महता, विनोद गोराई, राजीव महता, शशि महता, संपूर्ण पांडे, भोला मुखर्जी, सुजीत मुखर्जी, मिथिलेश महता समेत ग्रामीण उपस्थित है। आज अखंड यात्रा का दूसरा दिन है। रंगाहाड़ी बाबा को प्रणाम करते हुए आज सिमुलिया में पंचायत में यह महत्वपूर्ण सड़क का शिलान्यास हम लोग ने किया है डीएमएफपी फंड के माध्यम से, और चंदन क्यारी के सारे सड़क जो संपर्क के रास्ते हैं उसको जोड़ना, उसको बनाना हम सबका प्राथमिकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर के जितनी डेवलपमेंट हो सके उसको करने का हम लोगों का प्रयास है। बगल में ही पुल का टेंडर हुआ है, रंगामटिया तक सड़क बन गई है। मांडरा से लेकर के ये सिमुलिया, आलकडीहा, रंगामटिया की कनेक्टिविटी बढ़ेगी और यहाँ के लोगों का, इस क्षेत्र का भी विकास होगा। इस सड़क का आज हम लोगों ने जिला परिषद में, अपने मुखिया जी ने, समिति ने, सभी लोगों ने मिलकर शिलान्यास किया है। ये गांव वालों को समर्पित है।